हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया होली के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले हम नारियल को ग्रेट कर लेंगे। तो ये आ गया नारियल। अब गाइस, इसको हम मतलब कद्दूकस होता है ना, ये कि घर में मिल जाएगा आपके, इससे आप इसको ग्रेट कर लो, या फिर अगर आपके घर में चाकू हुआ तो चाकू से भी इसको काट काट के कर सकते हो। लेकिन हमारे पास ये था तो हमने इससे ग्रेट कर लिया है ऐसे कुछ इस तरीके से। अब जो है हमें लो मीडियम आँच पे घी रख दिया हमने यहाँ पे, और हमें सूजी को भून लेना है। और यहाँ पे हम जो इस हमने डालेंगे इस गुजिया की स्टफिंग में, वो है काजू, किशमिश, बादाम और मगज। और यहाँ पे देखो मेरी मम्मी आटा लगा रही है। इसका आटे में हमें मैदा लेना है और उसके अंदर थोड़ा घी डाल मतलब घी डालना है। और जब इसकी इसे बॉल सी बनने लग जाए हाथ से, तब इसके अंदर आपको नॉर्मल पानी डाल के इसको घूल लेना है। अब देखो यहाँ पे हम इसको, आपको जो सूजी है ना उसको आपको चलाते रहना है, और ये कुछ इस तरीके कलर की हो जाएगी। हमने इसको एक कंटेनर में निकाल लिया। फिर हमने जो है खोए को एक कढ़ाई के अंदर डाल के इसको जो है करा, और ये को यहाँ पे हमने सारी चीज़ें भून लिया, मतलब मगज, कोकोनट और जो वो था काजू बादाम, वो भी भून लिया है। अब जो है हमें किशमिश नहीं डालनी है, और जो हमें खोया है इसको हम मीडियम आंच में इसको हम कर रहे हैं। और ये देखो मेरी मम्मी ने आटा लगा लिया है। देखो ये खोया कुछ इस तरीके कलर का हो चुका है। इसके हमने मगज डाल दिया था चलाते हुए, और अब इसको हम सूजी के अंदर डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हमने कोकोनट भी डाल दिया जो हमने भूना था ना वो वाला। और जो है ये भुने हुए जो हमने काजू किशमिश काजू बादाम लिए थे ना, उसको हमें मतलब अच्छे से बारीक चॉप करके डाल देने हैं उसके अंदर। और फिर जो हमने आटा लगाया था उसकी लोई निकाल के उसको बेल के हमें गुजिया के अंदर मतलब गुजिया जो मेकर होता है ना, ये बहुत ईजीली मार्केट में मिल जाता है, उसके अंदर डाल के थोड़ा पानी लगाना है साइडों पे, जैसे मेरी मम्मी अभी लगा रही है। लगाते हुए फिर जो हमने ये रेडी किया है ये मसाला इसके अंदर भरने के लिए स्टफिंग, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। और जो बाहर का मतलब जो इसके मतलब बाहर का है उसको हम निकाल देंगे। और देखो ऐसे गुजिया बन जाएगी फिर के। और अब हम इसको तल लेंगे रिफाइंड।